कान में संक्रमण के प्रभावी उपाय, होम रेमेडीज फॉर ईयर इन्फेक्शन। घरेलू उपाय, होम रेमेडीज। कान में दर्द हो तो गेंदे के फूल को पीसकर उसका रस डालने से आराम होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेचुरल नुस्खे में, जिसमें हम आपको कुदरत के अनमोल फल, फूल, सब्जियों और आपको स्वस्थ करने वाले अनेक गुणों से आपको रूबरू कराते हैं, जो जानकारी आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमेशा हमसे जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बगैर समय गवाए आइए शुरू करते हैं। नमक को गर्म करके उसे कपड़े में बांधकर कान की सिकाई करने से भी कान के दर्द से आराम मिलता है। खाना बनाने वाले तेल में लहसुन डालकर तेल गर्म करें। इस तेल की कुछ बूंदें 3 से 4 बार कान में डालें। तुलसी के पत्तों का रस निकालकर कान के आसपास मलने से भी आराम होता है। ध्यान रहे, रस को कान के अंदर नहीं डालना है। सेब के सिरके में बराबर मात्रा में पानी मिलाकर रुई को उसमें भिगोएं। इस रुई को कान के पीछे कुछ देर लगा कर रखें। ऑलिव ऑयल को गर्म करके गुनगुने तेल की कुछ बूंदें कान में डालें। गर्म पानी की बोतल से कान की सिकाई करें। प्याज को गर्म करके उसे मिक्सी में पीसकर रस निकाल लें। प्याज के रस की कुछ बूंदें कान में डालें। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नेचुरल नुस्खे को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हेल्थ केयर फिटनेस टिप्स से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।